नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र की मुहिम पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तब से लगातार पूरी दुनिया में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। आज इस महत्वपूर्ण दिवस के मौके पर आईटीआई अलीगंज केंद्र स्थित कौशल विकास मिशन के तहत विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आज का समय प्रतिस्पर्धा का है, इसमें हमको केवल पढ़ाई ही नहीं करनी बल्कि अपने आप को स्किल्ड यानी हुनरमंद बनाना है, जिससे हम अपनी जीविका बिना किसी अवरोध के चला सके। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ साथ प्रमुख सचिव कौशल विकास एम देवराज के साथ साथ कई बड़े उच्चाधिकारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस आयोजन के अवसर पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। विश्व युवा कौशल दिवस युवाओं को आगे बढ़ाने की मुहिम और इसके माध्यम से लगातार युवाओं को बेहतर व्यवस्थाएं दी जाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की सक्रियता बताती है कि लगातार वो इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहे हैं और हमेशा युवाओं के बारे में सोचते हैं। आज भी इस कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा तमाम तरह के प्रश्नों को पूछा गया और खुलकर बात रखने की बात भी कही गई। हमारे साथ मौजूद है, जाने के नीतियों के बारे में। देखिए, आज विश्व युवा कौशल दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक शानदार ये कार्यक्रम हमारे मिशन के अंदर हुआ है और सभी बच्चों से हमने आह्वान किया है कि अपने आप को स्किल्ड करें। पढ़ाई आप भी कुछ भी हो, किसी भी लेवल की हो, लेकिन किसी एक सेक्टर में अगर आप स्किल्ड होंगे तो जीवन में अलग प्रकार का उमंग भी होगा, उत्साह भी होगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। अभी हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से ई फर्टिलाइज़र में एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, फ्लावर्स, उसके अलावा सोलर, उसके अलावा प्लम्बिंग, ई व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन सब ड्रॉन, इन सब के अंदर कोडिंग, प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, इन सब क्षेत्रों के अंदर युवाओं को प्रशिक्षण देकर के आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ युवाओं से कि बिल्कुल अगर आपने किसी एक क्षेत्र में अपने आप को स्किल किया तो आप बिल्कुल जीवन में मार नहीं खा सकते। अगर आपको स्किलिंग करना है, फिर रीस्किलिंग करना, फिर अप स्किलिंग करना, अगर आपने किया तो उस काम करते करते आज आप जॉब करने वाले हैं, कल को आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, उसी काम को आगे बढ़ा करके आप लोगों को रोजगार देने वाले बन सकते हैं। अपार संभावनाएं, आगे बढ़ते रहिए और आपके जीवन पर सबको शुक्रिया। आपने अपने संबोधन के दौरान आज भाषाओं की बात भी की, हमारा विभाग अनेक प्रकार की लैंग्वेज के माध्यम से भी युवाओं को कर रहा है। लैंग्वेज में भी अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। आप स्पेन सीखिए, आप जापानी सीखिए, आप इसराइल की भाषा सीखिए, उनमें सीखिए तो यहाँ पर भी अनेक जॉब हैं और उसके अलावा विदेश जाकर के भी आप जॉब करने का काम कर सकते हो, उसका भी अपार संभावना है हमारे लैंग्वेज में यहाँ पे, उसकी ट्रेनिंग हमारे विभाग के माध्यम दी जा रही है। जॉब दिलाई जा रही है, पर आपने अभी यहाँ पर मालिक बनने की बात कही, एंटरप्रेन्योर बनने की बात कही, क्या मान सकते हैं भविष्य में ऐसी भी कोई नीति लेने के आने वाले हैं तो यहाँ के लोगों को ही यहाँ पर लोगों को चुना जाए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जाए? बताए, वो तो काम चल ही रहा है, भविष्य अभी भी चल रहा है। अभी भी जिनकी हमारी इतनी चर्चा मैंने की, उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हमारे हैं, उन सब कोर्सेज में बच्चे अगर सेलेक्ट होंगे। देखिए, जैसे हेल्थ केयर, अपार संभावना है हर घर में आपको हेल्थ केयर में। आपको मैं कहता हूँ, अगर आपने किसी ने केवल इंजेक्शन लगाना भी सीख लिया, आपने ब्लड टेस्टिंग करना भी आपने सीख लिया, तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हर घर के अंदर चाहिए इस समय। घर में माता पिता बीमार होते हैं, बच्चों के एक्सीडेंट हो जाता है, किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको चाहिए, योगा करने वाले चाहिए, हर घर के अंदर आवश्यकता है। एक्सपर्ट तो आप काम करें। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। इन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं। इन्होंने कहा है कि हम तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नीतियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको स्किल देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो भविष्य में नौकरी भी पाएंगे ही पाएंगे, साथ ही यहाँ पर एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे और रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास की जो बात हो रही है, सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और कपिल देव अग्रवाल की सक्रियता कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी कोशिशों को अंजाम देती नजर आ रही है। कैमरा दीपक के साथ गौर करता हूँ, सीरीज भारत लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।